साहब मिश्रा, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे जशपुर और बिलासपुर का दौरा। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे सरना एथनिक रिसोर्ट चाय बागान में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं ग्राम गमहरिया में धान खरीदी केंद्र और गौठान का भी निरीक्षण करेंगे। दोपहर लगभग 1:15 पर सौगड़ा आश्रम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे जशपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3:45 पर बिलासपुर पहुंचेंगे। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित 45वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। वही कार्यक्रम के बाद बिलासपुर से कार द्वारा रवाना होकर रात 8 बजे के करीब लौट आएंगे रायपुर। तो आज दिन भर की खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज्यता सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो खास कार्यक्रम है, सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा विस्तार पर इस पर जानकारी सुप्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले तो वो 11:30 बजे एथनिक रिसोर्ट में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो ग्राम गमरिया में धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। काफी मतलब किसानों की शिकायत ये भी आ रही थी कि उन्हें टोकन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही धान खरीदी पर जो गड़बड़ियां सामने आ रही थी, तो इस वजह से मुख्यमंत्री धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम गमरिया में ही गोठान का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि भूपेश सरकार की योजना है राजीव गांधी गोधन न्याय योजना, जिसके तहत गोपालकों को भी जो है गोबर खरीदना, गोपालकों से गोबर खरीदी और गोठान भी बनाए जा रहे हैं। गोपालकों को मतलब गोपालकों के लिए किस तरीके से आय की व्यवस्था की जाए उसकी भी कोशिश की जा रही है, और साथ ही जो आवारा मवेशी हैं जो घूमते हैं इधर उधर वो किस तरीके से जो फसलों का नुकसान ना करे उसके लिए भी गोठान बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह के जो हादसे सड़क पर होते हैं उसे किसी भी तरह से रोका जा सके। तो भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये गोधन न्याय योजना, उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, क्योंकि गांव में भी ये जो है जानकारी सामने आ रही थी कि गोठान में जो है वो भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाए, मवेशियों को चारा वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसका निरीक्षण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। उसके बाद वो सोगड़ा आश्रम पहुंचने के बाद बिलासपुर दौरे के लिए रवाना होंगे, और बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के राउत नाचा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, और राउत नाचा महोत्सव में जो है वो गृह मंत्री भी शिरकत करेंगे। और जो बता दूं कि राउत नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य माना जाता है, इसे जो है छत्तीसगढ़ में काफी सारे ऐसे त्योहार है जिसपे राउत नाचा का आयोजन जो है वो किया जाता है, और इसे मुख्य तौर पर गोपालक जो है पशु चराने वाले सिर्फ वही जो है राउत नाचा जो है वो करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। गृह मंत्री दोपहर 1 बजे त्रिवेणी परिसर रुद्रनगर व्यापार विहार में रुद्र महायज्ञ विराट संत सम्मेलन में शामिल होंगे, और शाम 4 बजे के करीब लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित 43वां राउत नाच महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 5:30 बजे बिलासपुर से प्रस्थान कर राजधानी रायपुर लौट आएंगे। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज बिलासपुर के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ उनकी आज एक बैठक भी होगी। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां राज्य में अब तक 6 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 4 दिसंबर तक 6,19,469 मीट्रिक धान की खरीदी हुई। 1,77,634 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचे हैं, और राज्य के महासमुंद जिले में सर्वाधिक यानी कि 58,455 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।